सुधा किचन यूट्यूब चैनल के देख तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर आने वाले बुरे वक्त से बचा के रखे, आमीन। तो चलें इसी दुआ के साथ हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान, सादा और बहुत ही सेहत अफ़ज़ा है और बच्चों और बड़ों में पसंदीदा है, तो झटपट से तैयार होने वाली है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी। इस रेसिपी के लिए हमें साबूदाना चाहिए और दूध चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो साबूदाना लेके उसको पानी में डाल के तो हम बॉयल करते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, ये हमने जो साबूदाना लिया था ये इसमें हमने पानी डाल के, तो जब पानी को बॉयल आया तो उसके अंदर हमने ये साबूदाना डाल दिया और ये हमारा अच्छी तरह से उबल रहा है साबूदाना। तो इधर हमने तीन कप ले लिया और उन तीनों कपों में हमने एक कप में हमने ग्रीन कलर डाल दिया है और दूसरे कप में हमने येलो ऑरेंज कलर डाला है, और ये जो हमारा तीसरा कप है इसमें हमने ये इसको शॉकिंग पिंक कलर कह सकते हैं, ये मैरून से थोड़ा लाइट होता है और शॉकिंग पिंक कलर है। ये हमने तीन कलर लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी यही कलर लें, आपको जो भी कलर मिले, रेड मिल जाए, येलो मिल जाए, जो भी कलर मिले आप वो डाल सकते हैं। ये डाल के तो ये हमने कलर ले लिए। तो ये हमने एक अदद भर के बड़ा कप पानी का लिया है, इसमें से अब हम ये जो हमने कलर लिए हैं उसमें अब हम इस तरह से पानी डालेंगे। ये देखें ये पानी डाल दिया, तकरीबन दो चम्मच डाल चुकी हूँ, ये तीसरा और ये चौथा, बस चार चम्मच बहुत है। इसी तरह तमाम जो हमने कलर लिया उन सब में हम इस तरह से पानी डालेंगे और इनको कलर जो है उनका अच्छी तरह से रंग आने तक छोड़ देंगे। ये देखें ये हमारा दूसरा भी हो गया, ये है हमारा तीसरा कलर ऑरेंज येलो कलर। तो ये हमने इसमें डाल दिया तकरीबन तीन चार चम्मच के करीब पानी। आपको अगर लगे कि आपका जो कलर है थोड़ा लाइट है तो आप इसमें और मज़ीद कलर शामिल कर सकते हैं। मुझे ये कलर थोड़ा लाइट लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा कलर और शामिल करूँगी। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा जो साबूदाना है तकरीबन तैयार होने के करीब है, लेकिन अभी आपको ये अंदर से बहुत से वाइट भी नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह के वाइट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेप में आ जाए तो तब ये हमारा तैयार होगा। ये देखें यहाँ पे हमारा जो पानी है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे ताकि जो हमारा साबूदाना है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इससे कुछ नहीं होता, रेसिपी पे कोई असर नहीं पड़ता या जो हम बना रहे हैं उसको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक से ये बॉयल हो जाएगा। ये देखें ये तकरीबन तैयार होने के करीब है, लेकिन जिस हालत में हमें चाहिए अभी उस तरह से नहीं है ये। तो ये देखें ये हमें जिस तरह चाहिए था हमारा उस तरह से बिल्कुल भी तैयार हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने खाली बर्तन लिया, इसके ऊपर हमने इस तरह से एक स्ट्रेनर रख लिया और इसको हमने अपने साबूदाने पे को इस पर छान लिया। छानने के बाद ये हमने ठंडा पानी लिया और इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया। ये देखें ये हमने इस पर ठंडा पानी डाल दिया। ये जो हमारा ग्रीन कलर का पानी था, कलर था, इसमें हमने एक चम्मच भरा और इसके अंदर यूँ शामिल कर दिया। ये देखें एक से डेढ़ चम्मच, इसको थोड़ा सा यूँ मिक्स किया और इसको हमने साइड पे कर दिया। ये हमने दूसरा चम्मच लिया और दूसरे कप में शामिल कर दिया। आपने इसी तरह ये जो हमने बॉईल किया है, इसको साबूदाना बनाया, इसको इसी तरह से आपने हर कलर में डाल के तो इस तरह से रख लेना, उतनी देर तक रखना है जितनी देर तक ये साबूदाना जो है वो कलर जो है वो अपना पी नहीं लेता। ये देखें साबूदाने का कलर के मुताबिक नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको इसमें डिप करके रखना है। तो ये वाला कप जो आपके सामने रखा हुआ है, ये दो कप मैंने दूध के लिए हैं और इस दूध को मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। ये देखें ये मेरा जो हमारा दूध है, ये दो कप दूध ये बॉयल हो रहा है। इसमें हमारे
इलायची अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो इसमें आप दो अदद इलायचियाँ और हसबे जायका चीनी शामिल करें। ये मैंने 3 चम्मच चीनी के लिए हैं जो कि मैं ये दूध में शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो मीठा है वो थोड़ा सा तेज़ अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर आइस जाएगी, तो आइस जब चीज़ ठंडी हो जाती है तो उसका जो मीठा है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा तेज़ मीठा होगा। तो ये देखें, ये मैंने इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दी थी, ये देखें। तो इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए पकते हुए, लेकिन अभी ये उस तरह से तैयार नहीं जैसे हमें चाहिए, अभी इसको और मज़ीद 15 मिनट लगेंगे। तो ये हमने 5 से 7 अदद बादाम लिए हैं और इनको हमने छुरी से बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, तो ये भी हम अपने उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे। ये देखें, इनको इसमें शामिल करके, अगर आपके पास, तो ये देखें, ये मेरा जो दूध मैंने ऊपर रखा था अच्छी तरह से बॉयल हो गया। तो ये नाज़रीन जो हमने भिगोए थे अपने साबुदाने, उसमें से हम 1 चम्मच इसमें डालते हैं, और बल्कि हम पूरा ही इसमें डाल के तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी कलर है वो सारा पानी के साथ निकल जाए, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करें तो ये अपना जो है उसमें कलर ना छोड़े। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शाइनिंग वाला कलर आया, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह, ये देखें। तो ये देखें, हमारा जो दूध है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है जैसा हमें चाहिए, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, इसको हमें अच्छे से ठंडा करना है। तो जब तक ये ठंडा होता है तो हम अपना दूसरा जो साबुदाना है उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो ये हमारी सारी जो चीज़ें हैं इसकी तैयार हो चुकी हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसको सर्व किस तरह करना है। सबसे पहले आप अपने इसके अंदर आइस क्यूब्स डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो कम डालें। इसके बाद आप इसके अंदर ये जो हमने कलरफुल साबुदाना बनाया था आप वो इसमें शामिल करें, इसका ये देखें 1 चम्मच लिया और इसके अंदर आपने इस तरह से डाल दिया, ये देखें ऐसे डाल के। तो इसके बाद हमने जो दूध तैयार किया था हमने अपना उसको अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रख के हमने पहले ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें अपना वो दूध शामिल करेंगे, ये देखें जी इस तरह से। आप इसमें इतना दूध शामिल करें कि जब हम इसमें दूसरा पोर्शन डालें तो ये वो सेपरेट सेपरेट हो जाए, इस तरह से हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं। ये गर्मी के, जहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, ये उस मौसम के लिए मैं तैयार कर रही हूँ ये बर्फ़ वाली, और जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे आपने इसको ठंडा नहीं करना, रेसिपी पूरी यही होगी लेकिन आपने इसको गर्म सर्व करना है। जैसे हमने दूध गर्म किया था और मैंने कहा था कि इसको फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए, तो आप इसको ठंडा नहीं करेंगे, आप इसको गर्म करेंगे और वो आप सर्व करेंगे, वो होता है जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं उन जगहों के लिए। तो ये देखें, ये हमारी बहुत ही कलरफुल सी साबुदाने की ठंडाई, साबुदाने की स्मूदी जो है वो तैयार है। ये पीने में बहुत ही मज़े की है और बच्चों को बहुत पसंद है, और जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं उस उनको भी आप ये बना के दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप हमें इजाज़त दीजिए अगली किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। चलें जी, मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।